टेल मी, आप BNU में पढ़ रही थी, फिर आपने ड्रॉप आउट किया. किस्सा मैं रिपीट नहीं करूँगी, आई थिंक आप काफ़ी इंटरव्यूज़ में वो कर चुकी हैं. बट लेकिन उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रही थी, तो और फिर कुछ शायद आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गई थी जिसको शायद आप आज अप्रूव नहीं करी हूँ या नहीं चाहें, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या हुआ था जिसने आपको पुश किया उस तरफ जाने से, वो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आया था, एक चीज़ ये. और दूसरी चीज़ ये कि आपके आसपास जो सपोर्ट सिस्टम था उसमें आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी थी कि आप उस तरफ गईं. और मैं पूछ इसलिए रही हूँ, नॉट फॉर सेंसेशनलिज्म, बहुत से ये बड़ी कॉमन चीज़ है, यू नो, दिल का टूट जाना, एग्ज़ाम्स में पास नहीं होना, जॉब नहीं मिलना, ये हमारी जो यूथ है वो फेस कर रही है. आप इस चीज़ से गुजरी, तो क्या कुछ ऐसी एडवाइस या अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसा शेयर कर सकती हैं जो जो सुनने वाले आप, बिकॉज यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, वो शायद इससे सीख सकें, माँ बाप जो सुन रहे हैं वो सीख सकें, टीचर्स दोस्त सुन सकें. इसका ना जवाब छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है. और मेरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत से इंटरव्यूज़ में जब मुझसे कोई ऐसी चीज़ पूछी जाती है, कभी टाइम की कमी की वजह से, कभी लाइव होने की वजह से, कभी एडिट की वजह से, वो जवाब उस तरह से पहुंच नहीं पाता. और ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, हमेशा मैं उस फेज़ में नहीं हो सकती हूँ कि मैं एक चीज़ को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ और वो फिर मिसअंडरस्टूड होती है. बहुत रिसेंटली हमारे एक एक्टर हैं, इफ़ आई एम नॉट कोटिंग हिम रॉन्ग, आई थिंक गौहर ने ये बात की थी कि जो हमारी जनरेशन है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ अचीव करना चाहती है एज 30 से पहले. और ये उनकी जो बात थी ना, ये बहुत गहरी बात थी. हमारा मसला ये है कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए वक्त से पहले. व्हेन आई वाज 20, व्हेन आई वाज इन्वॉल्व इन सच थिंग्स, आई वांटेड सो मच फ्रॉम माय लाइफ कि वो उस उम्र और उस वक्त के हिसाब से हो ही नहीं सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. होता ये है कि कुछ चीज़ों को आपको वक्त देना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए सब्र की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें अपने वक्त और टाइम के साथ ही आती हैं. बिल्कुल. और आपका एक और क्या सवाल था इसमें? मेरा ये सवाल है कि फैमिली या आपके सपोर्ट सिस्टम आस पास में क्या चीज़ थी कि, बिकॉज हमारे यहाँ दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में. आई थिंक कभी कभी माँ बाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त हो जाते हैं, माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है, माँ बाप और फैमिली की अपनी अलहदा एक इंपॉर्टेंस है. आपको क्या लगता है जब आप सोचती हैं पीछे कि क्या कहाँ लूप होल था जो गिरा, क्या चीज़ आपको रोक सकती थी या बेहतर कर सकती थी उस सिचुएशन को? देखिए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ना आपने करने ही होते हैं. अच्छा. वो आप बेशक 20 साल की उम्र में करें या 40 साल की उम्र में करें, वो हर इंसान किसी भी कैपेसिटी में रहते हुए वो एक्सपीरियंसेस कर सकता है. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं और मैं यहाँ सब पेरेंट्स को और दोस्तों को ये कहूँ कि नहीं, प्लीज़ अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने ऐसे जानने वालों को सपोर्ट करें एंड ऑल दैट, that would be wrong because I had a great support system. My dad was my best friend, my mother was my best friend, they knew everything, I've told them everything. To phir problem tha, malum tha ki aap kya kar rahe hain. I told them, obviously ek time tak to maine unhe nahi bataya, but when I thought that things were going out of my own control, to I told them. But why I wasn't telling them, because obviously I did not want to disappoint them. I did not want them to feel ki unhone kahan kami छोड़ दी, क्योंकि वो तो थे परफेक्ट पेरेंट्स. तो इसमें कोई कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है. मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जब अपने वक्त के साथ हो रही होती हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली एज के साथ भी आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकती ऐसे लोगों को कि आप अपने अंदर सब्र लाएं और स्ट्रांग हों. कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है. देखें, आज आई एम 28, ठीक है, टुमारो आई विल बी 38. ये एज के साथ ही आता है सब्र, एक्सपीरियंसेस के साथ ही आता है. अब जो गलतियाँ मैंने 20 की उम्र में की वो आज मैं 28 की उम्र में नहीं करूँगी, और जो गलतियाँ मैंने 20 में की हैं अब 21 में नहीं होंगी मुझसे. अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आपका जो भी फेज़ हो, आप जिस भी ट्रांस में हैं, आप वहाँ से सीखें, आप उससे निकलें. और ये चीज़ मैंने बहुत, बिल्कुल अभी कोई, दिस इज़ माय 3rd month, मैंने ये चीज़ सीखी और मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी की, दैट वन शुड नॉट रिग्रेट ओवर एनीथिंग. ठीक है, आपसे जितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए, आप अपने खुदा से माफ़ी मांगें
आप अपने आप से माफ़ी मांगें, आप अपने आप को ये बोल दें कि अब आप ये गलती नहीं करेंगी, क्योंकि आप इंसान हैं, आप केपेबल हैं गलतियाँ करने की. व्हेन वी गेट टू हार्श ऑन आर सेल्फ्स ना, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. और मुझे भी ये लगता है कि व्हेन आई वाज टू हार्श ऑन माई सेल्फ, आई मेड ऑल दोज मिस्टेक्स. एंड आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पीपल हु आर यंगर देन मी, या जो भी ऑलरेडी हमारी एज के भी होके इस फेज में हैं, या वो सारे पेरेंट्स, कि love is the only thing that we all want and need in whatever way, in whatever capacity. आप इस दुनिया के अंदर जो बातें बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, वही आपके पास आती हैं. कार्मा में भी सिर्फ आपके साथ कार्मा नहीं हो रहा होता, अगले इसके साथ भी हो रहा होता है. तो बेहतर है कि आप जितनी पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं, कर सकते हैं, आप वो करें और कुछ चीज़ों को टाइम दें हील होने का. हमारा मसला ये है कि ये ग्लास अब हिल गया ना यहाँ से यूँ, तो अब हमें चाहिए यहाँ अभी के अभी, यहाँ हम गलती करते हैं. अब वो हिलने का भी तो उसने टाइम लिया था ना, तो उसने वापस आने का भी टाइम लेना है. अब वो किसी के लिए महीना हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ साल, साल हो सकता है. बट ये है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को टाइम, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तवक्कुल. बहुत मैं नहीं कह रही कि आप नमाजी हों या बहुत परहेजी हों या आप रोज़ चर्च जाने वाले हों, नहीं मैं ये नहीं कह रही. मैं आपको रिलीजियस होने का भी नहीं कह रही. मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र हो, और अगर आप किसी भी खुदा पे यकीन नहीं करते तो शायद जो इस दुनिया में जो एक ऑरा है, एक अच्छाई हो रही, एक अच्छाई हो रही है, आप उसके ऊपर ही वो चीज़ छोड़ दें कि यू नो things will take their own good time and they will happen when they are meant to be. तो वो मुझे लगता है. चलिए, आई होप आज आपको टाइम मिला पूरा एक्सप्लेन करने का सही तरीका. आज इसी तरह लगना चाहिए कोई एक्सप्लेनेशन सही आपने इंस्टाग्राम पे नहीं देंगी. नहीं बट मुझे बताएं, जब ड्रॉप होने का सोचा तो अम्मा अब्बा क्या थे? ओह माय गॉड, आई एम टेलिंग यू ना, माय डैड, कमरे के दरवाजे जोर जोर से बंद हुए, क्या हुआ एक्चुअली हुए. सो मैं उनकी जगह होती तो मेरे ख्याल में मैं तो यार, सो अब्बा वॉज अब्रॉड, बेचारी अम्मा वज़ह. सो आप सोचें कि यार वो माँ बेचारी कि बेटी बागी हुई है, बेटों का सुना था बागी होने का, उनके लिए तो बेटी बागी हो गई. अब्बा बाहर बेचारे, अब्बा का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फिर बेटी है उसका प्रेशर, फिर बेटी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी. जिन पढ़ाइयों के पीछे हम छोटे शहरों से बड़े शहर में आकर बैठे, इतनी ज़िंदगी की स्ट्रगल, मेरी अम्मा की बड़ी स्ट्रगल है हमें पढ़ाने के पीछे. और हमें अब्बा से दूर रहने की वजह ये थी कि बाबा वॉज इन मिडल ईस्ट, तो मेरी अम्मा कहती थी नहीं, मिडल ईस्ट के स्कूल्स नहीं अच्छे होते, मेरे बच्चे पाकिस्तान में ही पढ़ेंगे, मैं पाकिस्तान में रहूँगी. सो इट वॉज़ अ स्ट्रगल फॉर हर. एकदम बच्ची ने आखिरी जब टाइम था कि जी अब इस डिग्री मिलने वाली है, और जी बेटी ने कहा नहीं पढ़ना, तो वो क्या बेचारी माँ वो क्या कहेगी. और वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी बाहर कमा इसलिए डाया था कि वो अपने बच्चों और बीवी को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, उसकी बेटी बोल रही है कि नहीं. वो तो कुछ भी नहीं, बस फिर कुछ दिन दरवाजे बंद थे और अब्बू बेचारे कितने लंबे लंबे मैसेजेस आया करते होते थे और कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ, अच्छा तुम एक सेमेस्टर फ्रीज कराओ, उसके बाद यू नो गो बैक. एंड आई ऑल्सो फिर टोल्ड देम कि सही है, आई एम टेकिंग वन सेमेस्टर ऑफ एंड आई विल गो बैक, आई प्रोमिस यू दैट. एंड अल्लाह माफ़ी दे, आई ब्रोक दैट प्रोमिस, आई नेवर वेंट बैक. बट थिंग्स वर्कड आउट फॉर यू, थिंग्स वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. And they saw it in me कि ये कर सकती है और ये खुश है इसमें. खुश मुझे लगता है माँ बाप को इससे ज़्यादा कोई, बिल्कुल आपके अम्मी अबू की स्ट्रगल थी, लेकिन आई थिंक आपकी खुशी सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट. उन्होंने देखा कि ये निकल आई है तो दे वर ओके. एग्जैक्टली, उनको ये भी था कि वो एक फेस से भी निकल आई है और यहाँ पे भी नाम कमा रही है और मेहनत कर रही है. कुछ उल्टी थी, पॉजिटिव हो गई है और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हुई थी. मैं अपनी अम्मा को रोज़ शूट के बाद घर आना, शावर लेना, उनको कॉफ़ी पे लेके जाना, ये वाली चीज़ें थी. मैं अब्बा को कहना कि पाकिस्तान आ जाएं, इकट्ठे प्लान करते हैं. बहुत ही चेंज आ गया तभी से इफा में. तो पर्सनालिटी का एक इतना बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट था और दैट शिफ्ट वाज फॉर माय होल खानदान. सो माय, एक तो होते हैं ना कि खानदान में बातें होती हैं, माय खानदान वाज लाइक सुपर प्राउड ऑफ मी. दे वर टेलिंग एवरीवेयर दैट यू नो मेरी बहन एंड मेरी कजन और वो ये. तो वो तो इतना ज्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए वो पॉजिटिव था कि फैमिली भी तो मोहल्ले वाले भी और सब अच्छा बोल रहे हैं. तो फिर आई थिंक उनको, उनके लिए कोई डाउट था ही नहीं. सब मैं यही कहती हूँ कि आई हैव बीन रियली 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 ब्लेस्ड. अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम रहा है कि उन्होंने मुझे हर चीज़ मेरी अपनी स्ट्रगल के साथ दी, बट मुझे बड़ी खूबसूरती से दी. मैं जब आपकी पूरी कहानी पढ़ रही थी और सुन रही थी, मुझे इतना वो हो रहा था कि कितनी आयरोनिक बात है ना सईफा, कि आपने
एक बड़ी मुश्किल फेज से गुजर रही थी आप जिस वक्त आपने छोड़ा बी एन यू को, सेमेस्टर ड्रॉप किया, घर पे भी मसला, लेकिन अल्लाह ने कुछ और प्लान किया हुआ था. आज आप देखें क्या किधर पहुँच गए, कि वो हम सोचते हैं कि हमारा बॉटम है. यू नो आई एम श्योर उस वक्त आपको लगा होगा कि दुनिया खत्म हो गई, अम्मा अब नाराज है, मैं इतनी डिप्रेशन और कॉलेज, यू नो मुझे समझ नहीं. बट वो चीज़ एक नया दरवाज़ा आपके लिए खोला और आज आप कहाँ पहुँच. मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको ज़िंदगी में लग रहा हो ना कि अब आपकी बस हो गई है, वहाँ पे ही अल्लाह ने ना आपकी किस्मत में कुछ नया और ऐसा बेहतर लिखा होता है. मैं ना इतना रोया करती थी. मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है, शी इज़ ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड. तो वो कहती थी कि सहीफा तुम ना अल्लाह से बार बार एक फूल की ख्वाहिश कर रही हो और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला बाग तैयार कर रहा है और तुम्हें इस चीज़ का आज एहसास नहीं है, और जब तुम्हें एहसास होगा तब तुम्हें यकीन नहीं आएगा. और आज मैं कहती हूँ कि मैं आज बहुत प्यारे फूलों के बाग में बैठी हुई हूँ और मुझे यकीन नहीं आता कि 5 साल पहले, बल्कि 8-7 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक फेज़ था, उसमें मेरी क्या कैफियत थी. तो वो कुछ जो चीज़ें प्लान हुई होती है ना, उनको उस तरह होने देना चाहिए.